दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, किसी महान विद्वान ने कहा था कि जो इंसान अपनी सक्सेस को प्लान नहीं करते, वो अपनी फेलियर को कहीं ना कहीं प्लान कर रहे होते। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि एक भी सेकेंड अब ज़्यादा ना गवाते हुए आप अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करें। थोड़ा स्लो करेंगे सर, फर्स्ट टाइम रिविज़न है हमारा, और इसके बाद मैं आपको गाइड करता रहूँगा सर कि कैसे आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। सर, मेरी प्रिडिक्शन मंजूल इसके थ्रू आप देख चुके हो। इस बार की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट 20 डेज के लिए। वो 20 डेज आप कर लो सर, जैसे वो 20 डेज खत्म होंगे मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए गाइड कर दूंगा। तो आप इसे कह सकते हो कि सर, ये हमारी प्लानिंग का पार्ट वन है। ये प्लानिंग मैं अपने टॉप 20 ग्रुप्स के साथ फॉलो करवाने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूट भी करूँगा सर। परमात्मा की लीला और परमात्मा की कृपा रही सर, तो पक्का ये पार्ट वन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने टॉप 20 के साथ सर करके दिखाऊंगा। तो मेरा एक ये कहना है कि अगर विश्व में कोई एक इंसान भी किसी सक्सेस को अचीव कर सकता है, टारगेट को अचीव कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ कमी होती है हार्डवर्क और डेडिकेशन की। सर, एक बहुत बड़ा मिथ है सर लक का, LUCK। सर, सब बोलते हैं कि हमारा लक हमारे साथ नहीं है, शायद इसलिए हम जिंदगी में चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा सर कि लक की फॉलोम होती है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। आपको सही दिशा में सही व्यक्ति के साथ सही मेहनत के साथ काम करना होता है, आपका रिजल्ट जरूर बनता है। ठीक है सर, मैं आपके साथ प्लानिंग शेयर करूंगा, आपको खुद से पढ़ना है। आप इसके लिए अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले हो तो प्रैक्टिस मैनुअल फॉलो कर सकते हो, न्यू सिलेबस वाले हैं तो स्टडी मैट भी आप फॉलो कर सकते हो। आपके ऊपर है सर, आप कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जो भी मटेरियल आपने पहले पढ़ा हुआ वो कर सकते हो। और जो फर्स्ट टाइम रिविजन कर रहे हैं सर, उन्हें भी अगर वो सोच रहे हैं कि मैं रैंक के एरिया में आऊँ, मैं 60+ 80+ लेके आऊँ, तो भैया आपको इस डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है मैं मानता हूँ, ये उनके लिए सर जो 12 से 14 एक दिन में पढ़ेंगे, 14 into 12 hours, 12 to 14 hours, अदरवाइज़ ये टारगेट अचीव होना मुश्किल है। सर, आप इतना क्यों इंट्रो दे रहे हो? बाबू, इसलिए दे रहा हूँ, कहते हैं कि एक शानदार मकान घर तभी तैयार होता है जब उसकी नींव स्ट्रांग होती है। तो हेयर आई क्रिएटिंग योर नींव Who create a good building structure of your life? चलिए सर, देखिए सर, सबसे पहले जो मैंने आपके लिए फर्स्ट प्लान बनाया है, मैं आपको 10 से 15 दिन की प्लानिंग दे रहा हूँ सर। सबसे पहले कोस्टिंग की दे रहा हूँ, अगर आप ग्रुप वन दे रहे हैं, ग्रुप टू दे रहे हैं सर, तो मैं बताऊंगा क्या होगा। अभी ग्रुप वन वालों की बात, ठीक है सर। ग्रुप वन, तो ग्रुप वन में सर मैं ये कह रहा हूँ कॉस्टिंग करना है सबसे पहले, मटेरियल करना है 21 नंबर को, लेबर करना है आपको 22 नंबर को, ओवरहेड करना है सर आपको 23 नंबर को, एक्स्ट्रा वर्किंग डे, यानी कई बार होता है कि कुछ छूट गया हमारी हेल्थ इशू या किसी भी वजह से, तो आप यहाँ पे एक दिन लगा सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपका सिलेबस या टारगेट कहीं ना कहीं डिले हो रहा हो तो आप एक दिन लगा सकते हो। फिर सर, ये पांचवा टॉपिक है हमारा नॉन इंटीग्रियल अकाउंट्स, आप इसे 25 तारीख को करोगे। जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग 26 को करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 27 को करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 28 को करेंगे, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग जो है 29 नवंबर को करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 30 नवंबर, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 दिसंबर, बजटिंग कॉस्टिंग 2 दिसंबर एंड आपका सर 3 और 4 को आप करेंगे सर रिवीजन, जो भी आपका पेंडिंग टास्क है, जो भी आप अगर सब हो गया तो रिवीजन, और अगर कुछ पेंडिंग है तो वो करेंगे सर। न्यू सिलेबस में एक टॉपिक आ जाता है ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो जो न्यू सिलेबस वाले हैं सर, वो कहीं ना कहीं इसी के साथ इस दिन के अंदर एडजस्ट करेंगे अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, ठीक है सर। इस तरीके से आपको कॉस्टिंग जो है, जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनका 100 मार्क का मैंने बता दिया सर कैसे पढ़ना है, और जो ओल्ड सिलेबस में है उन्हें मैंने 50 मार्क के लिए गाइड कर दिया सर। अभी भी सर, अगर आप ओल्ड ग्रुप में हैं, मेरी बात को सुनिएगा, तो आप FM पढ़ेंगे, और अगर आप न्यू सिलेबस में हैं और अगर आप ग्रुप टू या बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आप FM पढ़ेंगे, ठीक है। सुनिए सर, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल में आपको 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर 3 डेज इन्वेस्ट करने हैं वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट एंड डेप्टर मैनेजमेंट के ऊपर। सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको 2 डेज मैंने दिए हैं, 8 और 9 दिसंबर। रेशियो एनालिसिस में मैंने आपको 2 डेज दिए हैं, 10 और 11 दिसंबर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने 12 और 13 आपको दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर। और सर, इसी के साथ सर लीवरेज जो है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12, लीवरेज के लिए 13, कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक इसी के साथ फिनिश हो जाता है। इसके 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा सर। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो ओल्ड सिलेबस में था, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो इसके जगह आप क्या कर सकते हो सर, क्वेश्चन देख सकते हो फाइनेंसिंग लीज के, आपका लीज का एक टॉपिक यहाँ पर डाल दिया गया है, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग लीज, और वो भी फाइनेंस में। तो मैं सर अपने बच्चों को कहाँ कराने वाला हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ ही इसमें कवर कर दूंगा, 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा। और आप क्या करने वाले हो सर,
अगर आप सो ओल्ड सिलेबस हो तो यहाँ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो करोगे, अगर आप न्यू सिलेबस हो सर तो यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपका 15 दिसंबर तक रिवीजन जो है आप खत्म कर दोगे इसको यहाँ पे। उसके बाद भी सर मैंने थोड़ा सा लिबरल होते हुए आपके लिए एक दो दिन फालतू रखे, मतलब 15 और 16 तारीख को दिसंबर को आप करने वाले हो रिविजन, ठीक है। और ये 17 दिसंबर को आपको टेस्ट देना है इसका, और वो भी यहाँ पे आपको FM का देना है, और अगर आप ओल्ड सिलेबस में तो कॉस्ट FM दोनों का देना है, ठीक है सर। एक मॉक टेस्ट पेपर हो गया। और सर एक चीज़ और जो मैं करवाने वाला हूँ अपने बच्चों के साथ, ट्रैप टेंटी के साथ, आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट देना है, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट देना है। तो अब तक अगर आप देखो काउंट करो तो तकरीबन सर 20+ टेस्ट हो चुके होंगे, अगर आप ये हर चैप्टर के अकॉर्डिंग टेस्ट दे रहे होंगे इतने दिनों से। सर 21 नवंबर से अगर मैं आपकी बात करूँ यहाँ तक जो अभी आपने मेरे साथ डेज देखे, सर 15 दिसंबर तक, आप खुद बताइए कितने दिन होते हैं, अराउंड एक मंथ होता है सर। एक मंथ में कुछ दिन रिवीजन किए हैं तो भी मैं 20 डेज के टेस्ट आपसे कह रहा हूँ आप दो, तो ये आपको करना है, ठीक है सर। ओके, इसके बाद सर यहाँ पे आते हैं, अगर आप सिर्फ ग्रुप टू दे रहे हो तो आप क्या करोगे, तो सर ग्रुप टू अगर आप सिर्फ दे रहे हो तो आपके लिए ये प्लान है, अगर आप ओल्ड सिलेबस में है तो सर ये करोगे। उसके बाद आप FM करोगे, जो FM का शेड्यूल लिखवाया था उसी को ऊपर नीचे एक दो दिन आगे पीछे करके कर लेना, ठीक है सर। और उसी को करना है आपको, लेकिन पहले उसे करना है सर 21 नवंबर से। अगर आप IT पहले करोगे सर, IT के 5 चैप्टर और आपके SM के 7 चैप्टर ओल्ड सिलेबस में हो तो, और ओवरऑल ये आपका 5 दिसंबर तक एक टेस्ट के साथ, हर चैप्टर का टेस्ट इंडिविजुअल चैप्टर वाइज प्लस एक मतलब कि 3 आर के टेस्ट के साथ 5 दिसंबर को आपको ये टेस्ट दे देना है, ठीक है। और अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो सर तो आपके EIS में 5 चैप्टर है और आपके 8 चैप्टर है सर SM के अंदर, इसके साथ आपको ये 5 दिसंबर तक ख़त्म करना है। सर कैसे होगा वो आपको अपनी स्पीड के साथ करना है सर। 7 और 8 तारीख को आपको ये 2 चैप्टर एक साथ कर सकते हो, चैप्टर नंबर 5th और 6th एक साथ कर सकते हो, बाकी थोड़े से लेंथी हैं तो उन्हें अलग अलग कर सकते हो, ये मेरा गाइडेंस है आपके लिए बस। ठीक, तो सर मैंने आपको ओवरऑल 1-7 मिनट के अंदर प्लानिंग दे दी है कि सर आप नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हो। बाकी सर कोई डेली अपडेट होगा तो VM हेल्प ग्रुप है सर टेलीग्राम पे, VM हेल्प ग्रुप ये आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर टेलीग्राम में इसका लिंक है, ज्वाइन कर लेना सर। ये आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग पार्ट 1, इसमें मैंने आपको 20 दिन का टारगेट दिया है, 15-20 डेज का, ये आप अचीव करोगे। सर याद रखना, अगर कोई एक आपने बुक पढ़ना सर, उसका नाम है इट द फ्रॉग, यानी अगर इट द एलिफेंट, अगर आपको कोई पूरा हाथी खाना है, कुछ भी खाना है, कोई भी चीज़ फिनिश करनी है, आप उसे एक बार में नहीं फिनिश कर सकते, तो उसे आप पार्ट में तोड़ दो और उसके बाद आप उसे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में लो। मैंने आपको चैप्टर वाइज डेट वाइज भी सर बता दिया, इससे बेहतर सर और क्या बताऊँ। इसके बाद सर मैं ये कहूँगा कि अगर आप क्या कहते हैं ग्रुप टू वाले हो, ठीक है सर ग्रुप टू वाले हो, तो सर मैंने आपको EIS SM और यहाँ पे IT SM के लिए गाइड कर दिया है। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो सर इसके बाद ऑडिट स्टार्ट करना, यहाँ पे सर FM आप कर चुके हो जैसा कि मैंने आपको गाइड किया। इसके बाद सर अगर आपका ESM SM हो जाएगा तो सर इसके बाद हम प्लानिंग करेंगे आपके ऑडिट कैसे पढ़ना है, ठीक है। ओके, और यहाँ भी मैं क्या कहूँगा कि इसके बाद आप पढ़ेंगे एडवांस अकाउंट, तो जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में गाइड करूँगा कैसे क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ क्या होगा सर, हमारा रिजल्ट आने तक हमारे 3 से 4 सब्जेक्ट जो है वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है सर। अब बाकी देखिए परमात्मा की कृपा, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बाकी मेरी बातों को फॉलो करते रहना और मैं वीडियो देता रहूँगा सर अपने इस चैनल पर CA Dreamers The Avenger। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विनीत मिश्रा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी बात यही कहूँगा सर, डेली टारगेट्स फॉलो करना, VM हेल्प ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना ताकि आप रेगुलर अपडेट्स ले सकें मेरे साथ, ठीक है सर। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।